वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रामलखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माई डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर वन का जो पेपर है कोर टू, उसमें हम लोग आज देखेंगे मल्टीप्लेक्सर। ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे जो एग्जाम में भी पूछी जाती है और हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर। अब तक हमने जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो हमने टाइप्स देखे हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर हो या फिर इनकोडर डिकोडर हो, तो उसके बाद फिर ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक ये टॉपिक भी है मल्टीप्लेक्सर। तो इस टॉपिक का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, देन ट्रूथ टेबल, उसके बाद उसकी लॉजिक डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है क्या है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स को मिला के जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, नंबर टू में मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n डेटा इनपुट्स, यानी कि यहाँ पे जो है डेटा इनपुट्स जो होंगे, जो इनपुट्स होंगे वो किस बेस पे होंगे, 2 to the power n होंगे। अभी ये क्या होंगे हम अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, n सिलेक्शन लाइंस। देखें, इस मल्टीप्लेक्सर में एक्स्ट्रा जो लाइन होंगे वो उसको हम सिलेक्शन लाइन कहेंगे, ठीक है। अब कितना सिलेक्शन लाइन होगा ये हमने यहाँ पे n लिख दिया, ये डिपेंड करेगा अभी आगे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंगल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर में क्या होते हैं, मल्टीपल इनपुट लाइंस होते हैं बट आउटपुट वन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मल्टीपल इनपुट लाइंस हो जाएंगे लेकिन आउटपुट क्या होगा, ओनली वन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ईच कॉम्बिनेशन विल सेलेक्ट ओनली वन डेटा इनपुट, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ डेटा इनपुट जो होगा विल सेलेक्ट ओनली वन डेटा इनपुट, यानी जो डेटा इनपुट को सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स को आप डेफिनेशन में बना सकते हैं और इसको और डेफिनेशन को इलेबोरेट भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स है, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n डेटा इनपुट्स होंगे और n सिलेक्शन लाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंगल आउटपुट लाइन होंगे और इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी वो एट ए टाइम एक डेटा इनपुट को ही सिलेक्ट करेगी। अब देखते हैं ये सिलेक्शन लाइन क्या होता है और इसकी जो है मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n डेटा इनपुट्स ये क्या होता है। ओके, जैसे मान लें हम यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन लाइन होता क्या है, सिलेक्शन लाइन हमारे कोई भी अगर मान लें मल्टीप्लेक्सर होगा ये, तो ये हमारा इस तरीके से इनपुट होगा, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा। तो इसकी जो इधर से लाइन जो जाएगी ना, ये इसकी सिलेक्शन लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगा, ये इसका सिलेक्शन लाइन कहलाएगा। अब सिलेक्शन लाइन जैसे मान लें n इक्वल टू मान लें हमारा 2 है, ठीक है। तो n क्या होगा, ये सिलेक्शन लाइन है, n कितना है, 2 है, तो इसकी जो मैक्सिमम इनपुट कितनी हो जाएगी, 2 to the power n, राइट। तो n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4 इनपुट लाइंस, ठीक है, 4 इनपुट लाइंस हो जाएंगी। तो 4 इनपुट में कितने सिलेक्शन लाइन की ज़रूरत है, 2 है, ठीक है। उसी तरीके से 4 से ज़्यादा अगर इनपुट लाइन होंगे, तो मान लें अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम इनपुट लाइन कितनी हो जाएगी, 2 to the power n, दैट मीन्स 2 का पावर n की जगह 3 अगर पुट कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 जो है इनपुट लाइंस हो जाएंगे। इस तरीके से हम सिलेक्शन लाइन के बेस्ट पे हम मैं जो इसकी इनपुट लाइंस को देखते हैं। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं, उसके बाद और हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 4 to 1 या 4 by 1 मल्टीप्लेक्सर की, 4 by 1 मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल और इसकी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में मक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे 4 by 1 का, तो यहाँ देखें यहाँ पे 4 इनपुट्स हो गया, राइट, उसके बाद यहाँ पे 1 जो है ये आउटपुट हो जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं, मान लें इसको i3 दे दिए, i2 दे दिए, i1 दे दिए, i0 दे दिए, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट मान लें y हो गया, कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड, कोई ये ज़रूरी नहीं आप क्या दें, हमने यहाँ पे y दिया। और इसकी सिलेक्शन लाइन हम एक दे देते हैं s1 और दूसरी सिलेक्शन लाइन क्या देते हैं, s0। तो ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4 by 1 मक्स मल्टीप्लेक्सर।
फोर बाई वन मल्टीप्लेक्सर का ये ब्लॉक डायग्राम होंगे। इस तरीके से आप एग्जाम में इसको बनाएं ब्लॉक डायग्राम, जो कि कंप्लीट ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंप्लीट बनाकर दिखाना होगा, इसकी ब्लॉक डायग्राम भी, इसकी लॉजिक डायग्राम भी और इसकी ट्रूथ टेबल भी। ओके, तो अब इसके बाद हमारी बारी आती है इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम अब देखते हैं आगे में। ओके, ट्रूथ टेबल की बात करते हैं हम। ट्रूथ टेबल में हम देखें हमने क्या, यहाँ पे कॉलम हमारा एस वन है, दैट इज सिलेक्शन लाइन वन, फिर एस जीरो है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एस वन एस टू दे सकते हैं या कोई और भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ये हमारा फंक्शन आउटपुट है। तो हमारे पास दो है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, फोर। तो यहाँ लिखेंगे जीरो जीरो वन वन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम जीरो वन, फिर क्या लिखेंगे जीरो वन लिखेंगे। ठीक है, अब देखें अगर हमारा एस वन जीरो होगा, एस जीरो जीरो होगा तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये हमारा जीरो होगा ये वन होगा तो वाई क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा। ये वन जीरो होगा तो वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आई थ्री। फिर से आप एक बार याद करें हम ये वैल्यू कैसे पुट करें, आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। ये वन वन जो है, वन वन ये थ्री का बाइनरी नंबर है इसलिए हमने आई थ्री लिखा। ये वन जीरो ध्यान दें, वन जीरो किसका बाइनरी नंबर आता है, टू का आता है, तो हमने क्या लिखा, टू। जीरो वन किसका आता है, वन जीरो जीरो किसका आता है, जीरो का। तो अगर आप ये ध्यान दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये फंक्शन के जो आउटपुट है ये आपको समझ में आ जाएगा कि आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री कैसे हुआ। तो आप देखें यहाँ पे ये फोर बाई वन का ट्रूथ टेबल मल्टीप्लेक्सर का हुआ इस तरीके से। ये सिलेक्शन लाइन है और ये हमारा वाई का फंक्शन जो आउटपुट है इस तरीके से। अगर जीरो जीरो पास होगा मल्टीप्लेक्सर में तो हमारा आई जीरो होगा जो एक्टिव, फिर जीरो वन पास होगा तो आई वन होगा, वन जीरो पास होगा तो आई टू होगा, और अगर वन वन पास हो रहा है तो आई थ्री होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस ट्रूथ टेबल को बनाने के बाद हम इसी ट्रूथ टेबल का क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ओके, या पहले इसकी हम क्या निकालते हैं, इसकी बुलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, तो हम यहां पे देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, s1 कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है s0 कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है i0 प्लस, फिर क्या निकलेगा s1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है s0 है और क्या है i1 है, फिर प्लस देंगे यहाँ पे s1 है, फिर s0 का कॉम्प्लीमेंट है, जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर क्या है i2 है, उसके बाद क्या है s1 है और s2 है, s1 है और s2 है और फिर क्या है i3 है। तो ये देखें इसकी बुलियन एक्सप्रेशन 4 बाई 1 मल्टीप्लेक्सर की, ये जो है ये ट्रूथ टेबल है और ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है। अब आपको मालूम है जब आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपको लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए, एस वन चाहिए, एस जीरो चाहिए और ये आई जीरो एक के लिए, एक के लिए आई वन चाहिए। अब देखें आपको ये जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो चलिए हम इसके ट्रूथ टेबल लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक डायग्राम हम बनाते हैं। आप देखें सबसे पहले हम यहाँ पे S1 लिए और S0 लिए। ठीक है, अगर S1 और S0 यहाँ देखें ये जो लाइन जा रहा है दैट मीन्स 11 जा रहा है इसका वैल्यू ना, और यहाँ पे 11 जाएगा तो ध्यान दें अगर एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो आपका ये एंड गेट है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और क्या आ रहा है, आई 11 में क्या पास हो रहा है, आप देखें ट्रूथ टेबल का सबसे नीचे वाला हम देखें S1 का वैल्यू अगर 1 है, S0 का वैल्यू 1 है तो वहां पे क्या हो रहा है, I3 हो रहा है ना, I3 इनपुट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या है, यहां से हम इसकी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। राइट, इसकी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे ऐसे हो जाएगा, और इसकी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम दूसरा वाला जो देखेंगे आई थ्री हो गया, फिर क्या हमारा वन जीरो है ना, तो एस वन का वैल्यू वन है। आप देखें हमने यहाँ से वन लिया, वन लिया, और एस जीरो का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ से हमने लिया ज़ीरो और फिर हमने यहाँ से इसको एंड गेट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आई टू है, आप ट्रूथ टेबल में देखेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है, एस वन का वैल्यू ज़ीरो है, एस वन का वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ से ज़ीरो लिए, और एस ज़ीरो का वैल्यू जो है ये वन है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, इस लाइन से ले सकते हैं हम यहाँ से वैल्यू, यहाँ से हमने वन लिया। फिर क्या आपका आई टू के बाद यहाँ पे आई वन है ना, तो ये भी यहाँ से निकल गया, ये हमारा क्या हो गया आई वन। तो देखें जहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है वहाँ से आप इसको इस तरीके से नोट जरूर दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका तीन हो गया। उसके बाद फोर्थ में देखें एस वन का वैल्यू भी ज़ीरो है, एस वन का वैल्यू भी ज़ीरो है,
और इसका वैल्यू भी जीरो है, एस जीरो का वैल्यू भी जीरो है, राइट। तो ये आपका हो गया फाइनल लास्ट वाला, और इसमें आपका आई जीरो है, ओके। और यहाँ से फिर आपका ये आउटपुट निकलेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल लाइन हो गए फोर। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ ये क्या निकल रहा है, आप देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो है और गेट है। आप देखें, ध्यान से देखें, ये जो चार लाइन है यहाँ से यहाँ जो है ये और गेट है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन वाई निकल गया। तो ये हमारा हो गया 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ये जो है लॉजिक डायग्राम कंप्लीट है। आप देख लें, यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं कि फिर से बताया जाए क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं फिर से हम लोग नया टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।